ड्रामा जिंदा रखा। एक नफ्से अम्मारा होता है, एक नफ्से लवामा होता है, एक नफ्से मुतमईना होता है, वो तो वलियों की शान है, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है ना, या अय्युहन या अय्युहत नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक राजियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्से अम्मारा जो है वो गुनाह करवाता है, और नफ्से लवामा जो है ना वो अगर गुनाह हो जाए ना तो मलामत करता है, वो मलामत करता है कि तूने क्या किया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारा नफ्से लवामा जिंदा है। हमसे अगर कभी गलती हो जाती है ना, गुनाह हो जाता है, तो हम निडर नहीं होते और हम दिलेरो के नहीं कहते हो गया हो गया, नहीं, हम फौरन रोते और कहते या अल्लाह माफ कर। तो ये अल्लाह की एक नेमत है, गुनाह हो जाते वो माफ करने वाला है। एक वाक्य सुना आपको, वाक्य मैंने लाहौर ही में सुना है, एक शख्स सुना है, बड़े नाम भूल गया हूं, बड़े अच्छे नाम वाले बंदे ये हमारे मुमताज कादरी के जो वकील हैं, जो लड़ रहे केस, जस्टिस ख्वाजा शरीफ गालिबन जो तकरीर वगैरह करते हैं, वो मेरी महफिल में लगा, गाजी नजीर गाजी साहब, उनके मुंह से मैंने वाक्य सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो हर अच्छी चीज ले लेता हूँ कहीं से, ठीक है ना। मैंने एक वाक्य सुना, वो कहते मैं हज पे गया, तो गालिबन अरफात का मैदान था या मीना का मैदान था, वो कहते कि एक शख्स बैठा हुआ था, मुझे लगा कि वो मजबूब है, उसकी जो जाहिरी कैफियत थी, जाहिरी सूरत थी, तो कहते मैं लगा कि ये मजबूब है। इतने में उस शख्स ने नाम लेके पुकारा, इधर आ, अब तो पक्का हो गया ना, नाम लेके पुकारा, इधर आ, आकर के वो जब हाजिर हुए तो कहते हैं सुन, अमल से गिरा ना, अमल से, अमल से गिर गया ना अगर तो बचत होगी, और अदब से गिर गया ना तो बचत नहीं है। बात अल्लाह, अमल से गिर गया तो बचत बच सकता है, अदब से गिर गया ना बचत नहीं होगी। शैतान के पास कम इल्म था, शैतान के पास कम इबादत थी, फरिश्तों को पढ़ाता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, उस्ताद था, और सजदे इतने किए, कोई जगह नहीं छोड़ी, इतना बड़ा आबिद था, वो बड़ा आलिम था, लेकिन अदब से गिर गया, नबी का अदब नहीं किया, क्या हुआ, रामदाई बारगाह हुआ। इसलिए जो बात कर रहा हूं समझो, कभी कभी बातें करता हूं, ज्यादा नहीं करता, अदब से मत गिरना कभी, अगर लग्जिश हो गई गुनाह हो गया बख्शिश है, लेकिन बेअदबों की नहीं, ये बात याद रखना। इसलिए कहता हूं ना कि ठीक है गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हुजूर के बन के रहो। मैं अल्लाह के करम से ये गारंटी देता हूं, बल्कि मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के करम से गारंटी देता हूं, इंशाल्लाह अगर आप हुजूर के रहे, हुजूर के रहे और हुजूर ही के रहे, मैं एक फकीर होने के नाते ये एक आपको बशारत देता हूं कि जन्नत आपकी है। जाओ बस हुजूर करो, हुजूर के हो जन्नत तुम्हारी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी गालिब फरमाते, सुन लो मोहब्बत किसे कहते, फरमाते कि किसी ने 1,00,000 दफा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी दफा, और उसके सामने किसी ने हुजूर की शान में बकवास की और उसने ठंडे पेट बर्दाश्त कर ली, फरमाते 1,00,000 दफा दुरूद पाक पढ़ना फेल, कुछ नहीं किया उसने हुजूर के बल पर, अल्लाह से हर दम माफी मांगते रहो, वो माफ करने वाला है, लेकिन खुदा के लिए बेअदबी से बचो, बेअदबों से बचो, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ, ईमान के लुटेरों से बचाओ। आला हज़रत ने क्या कहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बलाके हैं, तेरी कठरी ताकी है और तूने नींद निकाली,
सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, कहता है मीठी नींद तेरी मत ही निराली है, आंखें मलना, जुझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है, उठना भी कोई गाली है। तो मेरे भाइयों होशियार, चुकन्ने रहो। हाँ, तो एक है देने वाला।